subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any updates. भाव पे तो ये कुंडली ऐसे हम बनाएंगे, पहले हम कुंडली बनाना सीख लें। ऐसा एक क्रॉस बनाएंगे, ठीक है। फिर ये लाइन पहले खींचेंगे इस पूरे बड़े रेक्टेंगुलर में, बड़े रेक्टेंगल में 12 रेक्टेंगल है ना, जिसमें 3-4 ट्रायंगल है और बाकी रेक्टेंगल है, सही है। इन 12 स्थानों को हम कहते हैं भाव, ठीक है। और दीज आर कॉल्ड हाउसेस, इंग्लिश में इनको हाउसेस कहते हैं और हिंदी में भाव कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुंडली के अंदर ये 12 भाव होते हैं जो अलग अलग चीज़ों को डिनोट करते हैं, वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। हाउ यू विल कैलकुलेट दीज भाव, कैसे आप इनको गिनोगे उसका एक पर्टिकुलर तरीका है। लग्न कोई भी हो, ये भाव पहला भाव है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट हाउस। अभी ये नंबर है, राशि नहीं है, मैंने अभी नंबर लिखा है, ठीक है। हाँ, ये फर्स्ट नंबर हाउस है जिसको हम लग्न भी कहते हैं, ठीक है। मैं राशि बाद में लिखूंगा जब ओपन करेंगे तो। दिस इज फर्स्ट हाउस, एवरीबॉडी क्लियर है ना। कोई भी कुंडली बनेगी, कोई भी राशि, मतलब कोई भी लग्न की बनेगी, किसी भी समय बनेगी, बट ये फर्स्ट हाउस कहलाएगा, पहला भाव, ठीक है, या लग्न, ठीक है। फिर ये सेकंड हाउस, ऐसे गिनेंगे इसको यहाँ से, ये सेकंड हाउस, फिर ये थर्ड हाउस, फिर ये फोर्थ हाउस, फिर ये फिफ्थ हाउस, फिर ये सिक्स्थ हाउस, फिर सेवन्थ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10, 11, ये 12, ठीक है। दीज आर 12 हाउसेस। ये हमेशा इसी तरीके से ही इनको गिनेंगे। मान लो अगर ये अभी 1 से हमने चालू किया है ना, जब लग्न बदलेंगी तो भी इनका कैलकुलेशन इस तरीके से ही होगा, ठीक है। तो ये पहला घर है, फिर इसको हम क्लॉकवाइज चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जब जैसे भी आप कैलकुलेट करोगे वो हमेशा गिना इस तरीके से ही जाएगा। तो आपका लग्न अपने को समझ में आ गया। किसी भी पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस पे हमने आज की कुंडली मान लो मैंने बनाई, अभी जो प्लेनेट चला, तो अभी ऐसे कैलकुलेट करें अपन, सूर्य कहाँ पर होंगे, कितने बज रहे हैं अभी, 3 बज रहे हैं, यानी कि सूर्योदय से कितना टाइम हो गया, 9 घंटे। तो सूर्य तकरीबन 5 राशि ट्रेवल कर चुके होंगे, 5वीं राशि में चल रहे होंगे। सूर्य किस राशि में इस समय, सिंह राशि में इस समय, तो अभी कहाँ पर होंगे, मकर में होंगे, मकर में होंगे, 5, 6, 7, 8, 9 धनु राशि। तो सिंह में रहेंगे 2 घंटे, फिर कन्या में रहेंगे 2 घंटे, फिर तुला में रहेंगे, फिर वृश्चिक में रहेंगे, फिर धनु में। तो प्रॉबेबली इस समय धनु लग्न चल रही होगी। इसको अपन चेक कर लें तो आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी का टाइम मैं इसमें डालूँ अगर, तो धनु लग्न चल रही है इस समय। अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस समय धनु लग्न चल रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, जब हम हॉरोस्कोप कास्ट करेंगे तो जो लग्न आई है उसके आगे की राशि से आगे बढ़ाते चलेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर 9 नंबर आया है। अभी मैंने भाव गिनने का तरीका आपको बताया कैसे गिनना है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 10। ये भाव कौन सा है, सेकंड हाउस। यहाँ पर क्या आएगा, 11। ये कौन सा भाव है, थर्ड हाउस। यहाँ पर क्या आएगा, ये कौन सा हाउस है, फोर्थ हाउस। यहाँ पर 1 आएगा, फिफ्थ हाउस। यहाँ पर 2 आएगा, ये सिक्स्थ हाउस। यहाँ पर 3 आएगा, 7th। यहाँ पर कितना आएगा, 4, 8th। यहाँ पर 5, 9th। यहाँ पर 6, 10th। सेवन्थ, इलेवेंथ। अब आप डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो राशि में और भाव में अंतर साफ साफ। हाँ। राशि कोई सी भी घूम सकती है बट भाव सेम रहेगा। हाँ। राशि क्यों घूमेगी? टाइम के हिसाब से। जो हम टाइम जिस समय की कुंडली बना रहे होंगे, जिस समय जो पैदा हुआ उसका जो बर्थ टाइम बर्थ डिटेल हमने डाला उसके हिसाब से यहाँ राशि चेंज होती रहेगी हमेशा, बट दैट विल बी ऑलवेज फर्स्ट हाउस। तो इस लग्न का नाम क्या हुआ? राशि हमेशा जहाँ से लग्न चालू होगी उससे आगे चलेगी। धनु लग्न से चालू हुई, उसके बाद सेकंड हाउस में मकर आएगी, थर्ड हाउस में इलेवंथ आएगी, ट्वेल्थ आएगी, वंथ आएगी, सेकंड आएगी, ऐसे जाएगी। हाँ, तो उस ऑर्डर में बढ़ती जाएगी। जब 12 पे ख़त्म हो जाएगी तो एक चालू हो जाएगी, जब 12 ख़त्म हो गई तो एक चालू हो गई। फर्स्ट हाउस में मीन होता तो यहाँ 12 आता, फिर यहाँ 1 आ जाता, फिर 2 आ जाता, फिर 3 आ जाता, फिर 4 आ जाता। समझ रहे हो? तो पीपल विल बी चेंजिंग, दैट इज़ राशिज। तो राशि विल बी चेंजिंग बट द प्लेस विल बी सेम, दैट इज कॉल्ड हाउस, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हाउस। तो हाउस विल बी स्टेबल ऑलवेज, ये हाउस है। तो हम जब भी हॉरोस्कोप देखेंगे हाउसेस सेम रहेंगे, राशियाँ बदलेंगी और राशि हमेशा सीरियल वाइज ही चलेंगी। जो सर्किल पूरी जहाँ से भी जो भी लग्न उदय हुई, जो हमने अभी सीखा, जो लग्न उदय होगी उसके साथ में मिलाकर उसके आगे चलती चली जाएगी। ठीक है। अगर जैसे मान लो अभी अपन ने हॉरोस्कोप बनाई, उसमें लग्न आई एक, मेष लग्न उदय हुई, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, क्योंकि धनु लग्न में अगर बन रहा है तो सूर्य धनु में है ना। अगर जैसे धनु लग्न आई सुबह, मतलब सूर्य धनु में आते नवंबर में, फिक्स है वो, इसीलिए सूर्य को पकड़ा है ना। तो उसके बाद यहाँ से 9 10 11 12 ऐसे बन जाएगी कुंडली। 2 घंटे बाद सूर्य ट्रैवल कर जाएंगे थोड़ा सा, तो लग्न आ जाएगी मकर। तो जैसे ये क्लियर है यहाँ तक। अब मान लो आपने कोई डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाला, उसमें लग्न आई कर्क। ठीक है, तो अब हम कर्क से गिनना चालू करेंगे आगे के भाव। आपको सॉफ्टवेयर में बना दिखेगा बट आपको बनानी आनी चाहिए एक्चुअली। अब क्लियर है? ठीक है, तो दिस इज द वे इट विल हैपन। अब मुझे बताओ कि लग्न किस राशि की है? कर्क राशि की। अच्छा, फिर मेष राशि कौन से भाव में है? आप कैलकुलेट कर पा रहे हो? इसका लग्नेश चंद्र है। ठीक है, कर्क लग्न है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हाउस, और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहलाता है लग्नेश। तो इस कुंडली का लग्नेश है चंद्रमा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है? किसी को कोई कन्फ्यूजन तो पूछो, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा तो बहुत कन्फ्यूज होगे। ठीक है, इट विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड लाइक दिस, है ना। जो लग्न होगा वो फर्स्ट हाउस, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और जो भी नंबर आ रहा है लग्न का, जो भी लग्न उदय उसके आगे हम बढ़ेंगे। 12 से फिर फर्स्ट 1 नंबर से चालू कर देंगे, उसके हिसाब से उस हाउस का हो जाएगा। आपको कुछ कन्फ्यूजन है? कन्फर्म है? ठीक है। अब हर राशि में कोई ना कोई प्लेनेट होता है ना। तो हम पहले आज की कुंडली बनाता हूँ मैं, उसके हिसाब से आपको बताऊँगा कौन सा प्लेनेट किस राशि में है, क्योंकि कोई भी प्लेनेट जब ऊपर ट्रेवल कर रहा है तो वो किसी ना किसी एरिया में कर रहा है। उस 360 डिग्री में घूम रहा है, उस 360 डिग्री में जिस लैट लॉन्ग पे वो घूम रहा है उसको हमने एक राशि के नाम से बांट रखा है। तो कोई ना कोई जो प्लेनेट ऊपर जो घूम रहा है वो बिना राशि के नहीं घूम सकता, है ना। तो हर समय पर कोई ना, हर प्लेनेट किसी ना किसी राशि में रहता है। कई बार एक राशि में बहुत सारे प्लेनेट घूम रहे हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी है, वो अपने अपने हिसाब से घूम रहे हैं, जो भी उनकी वेलोसिटी है उसके हिसाब से। ठीक है, ये जो मैंने कुंडली बनाई है, इस समय इस धरती पर अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा होगा तो उसकी धनु लग्न होगी। अभी हमने देखा इस समय धनु लग्न चल रही है। ठीक है, उसकी कुंडली कैसे बनेगी अभी आप लोगों को पता नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ, है ना। तो इस समय गुरु जो है वो कन्या राशि में है। ठीक है, तो ये आज की प्लेनेट की स्थिति है। जो आज के प्लेनेट की स्थिति होती है उसको ज्योतिष में एक टर्म कहते हैं, उसका नाम है गोचर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट, करंट ट्रांजिट। हमारे ऊपर 2 चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। एक जिस दिन हम पैदा हुए वो जन्म समय के हिसाब से हमारी जन्म कुंडली बनती है और उस जन्म कुंडली का कोरिलेशन आज जो प्लेनेट चल रहे हैं उनके साथ में होता है। वो जो कनेक्टिविटी है उसके हिसाब से हमारे जीवन में एक्टिविटीज़ होती हैं या घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो जो जन्म कुंडली होती है ये आज पैदा हुए बच्चे के लिए जन्म कुंडली है इस समय, बट हमारे लिए ये गोचर है। ट्रांजिट में जब मैं पैदा हुआ तो गुरु मिथुन राशि के थे बट आज कन्या में है। आज के दिन 2016 10 सितंबर 2016 को गुरु कन्या राशि में है। तो ये जो उस दिन का उस पर्टिकुलर काल का जो प्लेनेट की राशि की स्थिति होती है दैट इज़ कॉल्ड गोचर एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमेना वाइल प्रिडिक्टिंग इवेंट्स। क्योंकि हम जब पैदा हुए और आज के टाइम से मैच करके इवेंट को करना रहता है। दैट वी विल कम लेटर। राहु के अपोजिट हमेशा, राहु जिस भी राशि में होंगे उसके जस्ट अपोजिट केतु आते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस इज ओनली वन, दे आर ओनली वन। राहु अपर पोर्शन, केतु लोअर पोर्शन, तो एक दूसरे से एग्जैक्टली डायगोनली अपोजिट रहते हैं वो। ठीक है, तो वो हमेशा ही जब भी प्लॉट होंगे तो एक दूसरे के आमने सामने ही आएंगे। देखो, हर प्लेनेट लगातार मूव कर रहा है अपनी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ। उसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं, कई सारे फैक्टर आते हैं, जिसको एक कहते हैं वक्री हो गया, अभी मैं बताऊंगा वक्री हो जाना। फिर कभी कभी ये जो प्लैनेट्स हैं वो अपने से जो इनका टाइम मैंने बताया उससे कम या उससे ज़्यादा समय भी रुक जाते हैं अपने अपने घर में। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऊपर होती हैं, बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनका हमारे ऊपर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जैसे अभी करंट का टाइम दो तो मंगल मैंने अभी आपको बताया तो कितने दिन एक राशि में रहते हैं, 45 दिन। अभी मंगल 6 महीने से एक राशि में, ठीक है, 6 महीने से एक राशि में, वृश्चिक राशि में मंगल। अभी सितंबर 20 को वो आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ एस्ट्रोनॉमिकली ऊपर होती रहती हैं जिनका आपको धीरे धीरे पता लगने लगेगा कि मंगल इस राशि में। तो ये जो प्लॉट है, जो हम हॉरोस्कोप कैसे बनाते हैं, लग्न हमने ड्राफ्ट की, ठीक है, सॉफ्टवेयर आपको बना के देगा सब कुछ, बट आपको आना चाहिए ऑब्वियसली। लग्न आपने ड्राफ्ट की, फिर गोचर से या तो हमारे पास पंचांग हो, तो पंचांग में देखना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, मुझे चूंकि मैं दिन भर बनाता हूँ मुझे याद है इस समय कौन सा प्लेनेट कहाँ पर है। ठीक है, तो गोचर से हम ये पंचांग से डिसाइड कर देखते हैं कि इस समय कौन सा प्लेनेट किस राशि में ट्रैवल कर रहा है। वो जो प्लेनेट जिस राशि में हो वो वहाँ पर हम लिख देते हैं। तो अगर आप देखो तो सीन कैसा बन रहा है, इस समय धनु राशि का चंद्रमा है, गुरु और शुक्र कन्या राशि में है, सिंह राशि में सूर्य बुध और राहु हैं। ठीक है, सूर्य बुध और राहु है ना, मंगल शनि वृश्चिक राशि में। यहाँ तक क्लियर है? अब कौन से हाउस में कौन आदमी बैठा हुआ है ये समझ में आ रहा है अपने को क्लियर? आप उसको कैलकुलेट कर पा रहे हो एक क्लिक के अंदर, हैं कर पा रहे हो? कि आपको अभी आप ऐसे ऐसे करके गिनो, ठीक है, अभी आप एक दो दिन तक ऐसे करके गिनो कि फर्स्ट हाउस से गिनो तो 10वां आपको लगेगा। अभी 2-4 दिन के अंदर आपको कुछ भी गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है 10th हाउस कहाँ है, 6 नंबर जो है ये 10th हाउस। ठीक है, आपको एक क्लिक के अंदर अब ये दिखने लगेगा कि ये 10th हाउस है। 12th हाउस कहाँ है, 8 नंबर। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आ रही है। कोई भी राशि लिखी हो हाउस सेम रहेगा, जो उसका नाम है वो ही रहेगा, राशि कोई भी लिखी हो। ठीक है, राशियां बदलती रहेंगी, क्यों बदलेंगी राशियां? क्योंकि लग्न वैसे बदलती रहेगी तो राशियां बदलती रहेंगी, लेकिन वो जो प्लेनेट उसका जो वेलोसिटी है वो उस राशि में जितने दिन तक रहेगा हम उसको वहीं पर ही प्लेस करेंगे। आप जो बोल रहे थे कि कल भी कुंडली बनाई उसमें वो सेम आए, आज भी बनाई तो सेम आए, क्योंकि वो प्लेनेट सब उसी राशियों में चल रहे हैं। अभी मंगल और शनि कितने मैंने बताया, शनि कितने दिन एक राशि में रहते हैं, 2.5 साल। तो ये 2.5 साल से इसमें चल रहे हैं, सब में शनि 2.5 साल में चल रहे हैं। अब ये जनवरी में ट्रांजिट होंगे तो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, मंगल 6 महीने से यहाँ पर है अभी, इसको याद मत करना, मंगल केवल 45 दिन एक राशि में रहते। ठीक है, बुध कन्या में थे, अभी कल यहाँ आए, वो भी मैं प्रिंसिपल बताता हूँ, अभी एक्सेप्शन है वो। ठीक है, गुरु 15 अगस्त को यहाँ पर आए, 13 अगस्त को, जो तुम लोग मेरे से सुनते रहते थे गुरु चेंज हो रहे हैं, गुरु चेंज हो रहे हैं, है ना। तो उससे पहले गुरु कहाँ थे, ऑब्वियसली सिंह में होंगे, राहु वहीं पर ही है। तो जो हम कह रहे थे कि राहु गुरु चंडाली हो गए, वो ये था कि गुरु यहाँ पर थे, राहु ऑलरेडी यहाँ पर है, तो राहु और गुरु साथ में थे। अब गुरु आगे निकल गए, राहु वहीं रह गए। ठीक है, अब इनमें से हर प्लेनेट आगे की तरफ राशि में ट्रेवल करता है। मतलब गुरु जो है वो अभी सिंह राशि में थे, अब काय में आ गए, कन्या में। शनि वृश्चिक राशि में है, अब काय में जाएंगे, धनु में। चंद्रमा कल वृश्चिक में थे, आज किस में आ गए, धनु में। तो सभी प्लेनेट आगे की तरफ ट्रेवल करते हैं राहु केतु को छोड़ के। ठीक है, तो राहु केतु 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। अभी ये सिंह राशि में है, इसके बाद कहाँ पर जाएंगे, तो राहु चला जाएगा कर्क में और केतु चला जाएगा मकर में। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये हमेशा उल्टे चलते हैं, राहु और केतु को हमेशा वक्री माना है। मैं वक्री का अभी बताऊंगा आपको, कल बताऊंगा, है ना। ये बात समझ में आ गई? ये आप चाहो तो लिख लो, वैसे तो आप जब आगे बढ़ जाओगे तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, बट आज के हिसाब से लिखने वाली बात है कि सभी प्लेनेट आगे की तरफ, आगे वाली राशि में ट्रेवल करेंगे, बट राहु केतु पीछे की राशि में ट्रेवल करेंगे। तो जैसे राहु और केतु का अलग अलग ट्रांजिशन टाइम नहीं है। ऐसा नहीं होगा जैसे अपन कह रहे हैं ना, गुरु अपन बदले, हाँ ये ऐसे ही चलेंगे। जब राहु बदल गया मतलब केतु भी बदल गया। जैसे राहु राशि बदलेगा, केतु ऑटोमेटिकली राशि बदल देगा। लेकिन ये सिंह राशि से अब कर्क में आएंगे, उल्टे आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, बाकी प्लेनेट यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे राहु जो है वो कर्क में आए तो केतु कहाँ जाएगा, एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। मैंने उस दिन बताया था कि हर घर से 7वां घर एग्जैक्टली अपोजिट होता है, हर घर से 7वां घर एग्जैक्टली अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये 12 भाव हो गए, इसमें कोई कन्फ्यूजन है? 12 के 12 भाव बता देता हूँ आज। तो इनमें से हर भाव से कुछ ना कुछ का पता लगता है। तो हर भाव से कुछ शरीर के अंग का पता लगता है, वो हमने देखा अभी जैसा हमने राशि का देखा ना, वैसा ही भाव का है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हो गया ना, तो जो भाव आ रहे हैं वो अंग उस भाव में कवर हो रहा है। हमने अभी क्या देखा, राशि से देखा था कि राशि इस पर प्लॉट की 1 नंबर बीच में और पूरी राशियाँ घुमाई, तो वो राशि वो एरिया कवर कर रही थी। अब आप राशि भूल जाओ, अब भाव से देखो तो फर्स्ट हाउस से क्या कवर होगा, केवल एक बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो सिर का पूरा पोर्शन, चेहरा, ये फर्स्ट हाउस से कवर होगा। ये फर्स्ट हाउस है तो फेस कवर होगा, इससे सिर का पूरा पोर्शन कवर होगा, है ना। ऐसे ही हर भाव से अलग अलग चीज़ कवर होती है, बट आई विल टेक वन बाय वन।